टेंथ क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कस मूमेंट इन प्लांट मूमेंट इन प्लांट आर टू टाइप नंबर वन ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म एंड ट्रॉपिज्म एंड ओनली मूमेंट एक ट्रॉपिज्म मींस ट्रॉपिज्म में क्या है मूवमेंट प्लस ग्रोथ ट्रॉपिज्म इन दिस प्रोसेस ग्रोथ प्लस मूवमेंट इन प्लांट देन सेकंड ओनली मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड सेकंड मूवमेंट इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ यानी लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा वो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स देखिए बेटा मूवमेंट इन प्लांट आर टू टाइप्स नंबर वन डिपेंड ऑन ग्रोथ Then, second, dependent of independent of growth. Totally, in this process, depend on growth completely stem, root, branches. In this growth, many types. नंबर वन जो टॉपिक आपने इसके अंदर पढ़ा था वो प्लांट प्लांट द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्लांट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं प्रकाश की ओर मुड़ना प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्लांट की डायरेक्शन किधर लाइट की ओर जिधर प्रकाश हो टॉपिक आपने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं लाइट ट्रॉपिज्म ही कहते हैं इस टॉपिक को हम कहते हैं लाइट ट्रॉपिज्म मींस इसके अंदर आपने जो पढ़ा था कि जैसे ये वाला जो डायग्राम है एक विंडो है उस विंडो से सनलाइट फॉल्स ऑन ए प्लांट तो प्लांट्स का जो टॉप एरिया है उस टॉप एरिया का प्लांट की ओर मुड़ना एक तरह से वो ट्रॉपिज्म कहलाता है ठीक है सेकंड आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर वो आपने पढ़ा था जियोट्रोपिज्म ट्रॉपिज्म इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस रूट रूट ग्रोथ डायरेक्शन प्रपोशनल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्टेम की जो मूवमेंट है ग्रोथ है वो एंटी प्रपोशनल ऑफ ग्रेविटेशन यानी यहां पर इस डायग्राम में आपने देखा था जियोट्रॉपिस में क्या होता है जैसे प्लांट की रूट है रूट ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर यानी पृथ्वी के डेप्थ में वो चली जाती है वो एंड प्रपोशनल ग्रोथ है यानी जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उधर ही उसकी ग्रोथ होना मोमेंट होना देन एंटी प्रोपोर्शनल यानी उसके अपोजिट स्टेम ब्रांचेज जो स्टेम की जो ग्रोथ है अपोजिट टू रूट तो वो कहलाती है नेगेटिव जियोट्रॉपज्म यानी जियो आर टू टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रूट ग्रोथ है वो पॉजिटिव एंड स्टेम ग्रोथ है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है मींस ये अर्थ सरफेस है अर्थ सरफेस से रूट का ग्रोथ ये है पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म तो ये जो ग्रोथ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है तो ये कहलाएगा नेगेटिव नेगेटिव जियोट्रॉपीज ठीक है यहां तक कंप्लीट बात आपने कल कर ली थी देन नंबर थर्ड हाइड्रो ट्रॉपीज मीन्स कोई भी प्लांट है उस प्लांट का कोई भी पार्ट कोई भी मीन्स रूट रूट का एक तरह से जहां पर भी वाटर सोर्स है उस वाटर सोर्स की ओर मोमेंट करना ग्रोथ करना वो कहलाता है ट्रॉपिज्म तो हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म इन दिस प्रोसेस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ डायरेक्शन ऑफ वाटर सोर्स यानी प्ला, प्लांट का कोई पार्ट है जिसमें ग्रोथ है उसका पानी की ओर डायरेक्शन होना पानी की दिशा में मुड़ना वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है इसको भी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता क्या है ये अर्थ सरफेस है ठीक और यहाँ जैसे मान लीजिए कोई पानी का पॉन्ड है पानी भरा हुआ है ये देखिए ये वाटर सोर्स है यहां कोई प्लांट लगा हुआ है ठीक तो इसकी जो रूट है इसकी रूट का इधर पानी की ओर मुड़ना ये देखो तो ये जो डायरेक्शन है देखो आप डायरेक्शन किधर है डायरेक्शन टुवार्ड्स वाटर पानी की ओर इस रूट की डायरेक्शन होना लाएगा. क्या लाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म क्या कहलाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म हाइड्रो मीनस होता है वाटर हाइड्रो इज इक्वल वाटर तो हमने जिसे कहीं प्लांट लगा हुआ है अर्थ सरफेस पर और उसके नियरेस्ट हम देखें कोई भी वाटर सोर्स है पानी भरा हुआ है पौंड है कैनाल है रिवर है जो भी है ठीक है तो इस प्लांट की जो रूट है वो स्वतः ही देखो एक तरह से पानी की ओर इसका ग्रोथ हो रहा है पानी की ओर मूवमेंट कर रही है तो ऐसा जो प्रोसेस है वो कहलाता है हाइड्रो ट्रॉपेज क्लियर तो हाइड्रोट्रॉपेजम इन दिस प्रोसेस रूट ग्रोथ डायरेक्शन ऑफ वाटर डायरेक्शन टूवर्ड वाटर पानी की और इसका मुड़ना मूवमेंट करना हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है देन नेक्स्ट नंबर चार सेम प्रोसेस कीमोट्रॉपिज कीमो मींस यहां पर है केमिकल और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है एक मोमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ तो यहां देखिए क्या होगा बेटा कोई केमिकल है उस केमिकल का एक तरह से स्प्रिंक कर दिया उसको स्प्रे कर दिया किस पर एक फ्लावर पर तो जैसे ही फ्लावर पर उस केमिकल का स्प्रे करते हैं तो जर्मिनेट ऑफ पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑफ पोलन ग्रीन इन फ्लोवरिंग प्लांट पुष्पी पादप में जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाते हैं अंगुरित हो जाते हैं देन ग्रोथ ऑन पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब बढ़ती है वृद्धि करती है ग्रोथ ऑन पोलन ट्यूब डायरेक्शन ऑफ ओब्यूल वो ओब्यूल की ओर वृद्धि करने लगती है जैसे आपने क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा देखो स्टिग्मा है ठीक है इसके अंदर ओबिल होता है इसके अंदर होता है ओबिल देखिए तो यहां पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एक तरह से यहां से पोलन ग्रेन यहां आ जाते हैं और यहां पोलन ग्रेन जैसे ये जर्मिनेट होते हैं तो इन पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन्स के पोलन ग्रेन पर कहलाते हैं इनको मेल गैमेट uh, भी कहते हैं मेल गैमेट प्लांट तो यहां से पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन में एक तरह से वृद्धि होती है ये पोलन ट्यूब बनती है और ये पोलन ट्यूब आकर इस ओब्यूल से जुड़ जाती है तो ये जो पोलन ट्यूब ग्रोथ है ये पोलन ट्यूब ग्रोथ किसके कारण हो रही है कीमोट्रोपिज्म कीमोट्रोपिज्म देखिएगा आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा बेटा मैं ये नफ्ट डायग्राम आपको बताया है नंबर फोर जो मूवमेंट है वो है कीमो ट्रॉपिज ही में जैसे ही केमिकल्स का छिड़काव करते हैं यहां पर केमिकल का स्प्रे करते हैं तो ये जो पोलन ग्रीन्स है पोलन ग्रीन्स यहाँ से जर्मिनेट होता है और पोलन ग्रीन्स जर्मिनेट होकर एक पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब ग्रोथ होती हुई यानी बढ़ती हुई ये ओब्यूल है इस ओब्यूल से आकर वो यहाँ आकर इसमें एक तरह से फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है ओब्यूल आपने देखा हो बेटा इस तरह का ओब्यूल पार्ट ओब्यूल कई प्रकार के होते हैं यह ओब्यूल है इसके अंदर केंद्रकों की संख्या होती है बेटा आठ ठीक है लेकिन सेल्स होती हैं कितनी सात यह ओब्यूल है और इस ओब्यूल ये देखो ऐसा होता है बेटा इसके अंदर देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होती है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर ये कहा होता है इस गाइनोसियम के अंदर ये गाइनोशियम पार्ट है ठीक है ये जो फ्लॉवर आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा बेटा तो इसमें हम देखें ये एक तरह से फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट होते हैं ठीक अब ये जो फीमेल पार्ट है ये पूरा यहां तक का फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओबरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओबरी तीन पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल एंड ओबरी ठीक है तो यहां जो कीमोट्रॉपिज्म है कीमोट्रोपिज्म के अंदर एक तरह से जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ होती है देख लीजिएगा देखिए बेटा यहां हम देखें वाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म यानी ये हाइड्रो मीन्स जल के कारण वृद्धि है कीमोट्रॉपज मीन्स रसायन के कारण वृद्धि है ठीक है जैसे जल की और डायरेक्शन यानी मुड़ना और केमिकल्स के कारण जो ग्रोथ होती है वो दोनों तो देखिए कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन ग्रोथ मूवमेंट वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब देखिएगा कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवार्ड्स ओव्यूल यानी पोलस ट्यूब का जो ओब्यूल तो की ओर जो वृद्धि करना है वो कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है अबाउट विच वी विल लर्न मोर वैन वी एग्जाम्पल द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज ठीक है देखिएगा नेक्स्ट तो यहां आपसे मैं बात कर रहा था किसकी कीमोट्रॉपिज्म की ये सब प्लांट मूवमेंट थे प्लांट मोमेंट दो प्रकार के थे डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट

नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन्स व्हाट इज प्लांट हार्मोन क्या होते हैं प्लांट हार्मोन तो मैं ये कहूंगा प्लांट हार्मोन है क्या दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट यानी पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं पादपों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी बनाए रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोज केमिकल इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट यानी ये एक तरह से मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि पादप की वृद्धि कैसे हो पादप में फ्लावरिंग कैसे हो सेल डिवीजन कैसे हो जो फ्रूट है उनका एक तरह से ड्रुप यानी पकना कैसे हो तो इन सब फंक्शंस है एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है प्लांट हार्मोन करता है तो प्लांट हार्मोन दो सबिस्टेंस विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट तो जो प्लांट हार्मोन है वो ऐसे पदार्थ हैं जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आप कह सकते हो सीमित शब्दों में सिंगल लाइन कि प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन दो सबिस्टेंस विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट ठीक है देन प्लांट हार्मोन आर मैनी टाइप्स नंबर वन देखिएगा टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन नंबर वन ऑक्सिन हार्मोन देन सेकेंड जिब्रेलिन हार्मोन नंबर थर्ड साइटोकाइनिन हार्मोन फोर्थ एवसीसिक एसिड हार्मोन ठीक है आपके फोर्थ सिलेबस में है लेकिन फिफ्थ भी मैं आपको बता दूं एथेलीन हार्मोन पांच प्रकार के हार्मोन होते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो ऑक्सिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन का मेन काम क्या है एक तरह से हम कहें ग्रोथ ऑफ प्लांट पादप की वृद्धि पादप की वृद्धि को यानी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम है वो ऑक्सिन का है देन सेकेंड जो जिब्रेलिन है जिब्रेलिन का जो मेन फंक्शन है ये ग्रोथ ऑन प्लांट एंड फ्लोवरिंग ऑफ प्लांट यानी ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन के साथ इसके अलावा फ्लोवरिंग का काम भी है देन साइटोकाइनिन का मेन काम है सेल डिवीजन इन प्लांट पादप में कोशिका विभाजन करना देन एफ़सीसी काम जो एसिड है उसका काम है प्रोटेक्ट या इनहिबिटरी ही ग्रोथ ऑफ ग्रोथन प्लांट पादप की वृद्धि को रोकने का देन ये जो एथिलीन है ये फलों को पकाने में काम आता है तो यहां पर ये आपके सिलेबस नहीं लेकिन चार आपके सिलेबस में है देखिएगा बेटा देखिएगा देखिएगा चार प्रकार के हार्मोन आपको मैं बता रहा हूं ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइन एप्सिक एंड अनोदर एथिलिन देखिएगा इनके बारे में सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन है क्या नंबर वन तो हम कहेंगे लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव बर्ग विथ यर यानी किसी भी प्लांट के अंदर एक तरह से क्विकली जो फंक्शन होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा वेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन जो प्रकाश से संसूचित हो जो प्रकाश की ओर प्रेरित हो वो ऐसा हार्मोन है वो ऑक्सिन है आपने जो लाइट प्रोपिजन पढ़ा था कोई भी प्लांट जो लाइट की डायरेक्शन उसकी हो रही है तो उसका कारण क्या है कि प्लांट का एक पार्ट तो शडो में है छाया में है लेकिन दूसरा पार्ट लाइट की प्रेजेंट में है तो जिधर सेडो है छाया है उधर से जो ऑक्सिन है वो उसके टॉप पर आ जाता है टॉप ऑफ बॉटम टॉप पर आ जाता है टॉप ऑफ प्लांट तो टॉप पर आने के बाद वो प्रकाश की लाइट ओर में मूवमेंट करता है तो उसका जो हारमोन है वो कौन सा होता है ऑक्सीजन होता है तो यहां हम कहेंगे क्या कहेंगे इस हार्मोन को हार्मोन कार्ड ऑक्सिन सिंथेसिस एट द अप हेल्प द सेल ग्रो लॉन्गर तो ये क्या है एक तरह से सेल्स को वृद्धि करने में सहायक है काम करता है तो आप यहाँ से लें इसको कि वी हैव वर्कड विद द अर्लियर ये ठीक तरह से यानी तेजी से काम करता है वेन ग्रोइंग प्लांट पादप वृद्धि के लिए ऑन लाइट प्रकाश की ओर हार्मोन कार्डोक्सिन ऑक्सिन इस हार्मोन को ऑक्सिन कहते हैं सिंथेसिस एट द सूट यानी इसका जो सिंथेसिस है सिंथेसिस का मतलब होता है फॉरमेशन निर्माण होना कहां होता है टॉप पर होता है वेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट यदि मान लो जो सूर्य का प्रकाश है सन लाइट है वो केवल प्लांट पर एक तरफ आ रहा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवार्ड्स द सैडी साइड ऑफ द शो दिस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टूमुलेट द सेल्स ऑफ ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट तो देखिए जिधर प्लांट के भाग पर छाया है उधर से ऑक्सीजन है वो लाइट की ओर आ जाता है और वहां से वो उसको वृद्धि करता है दस द प्लांट अपियर टू द बेंड टुवार द लाइट और जो प्लांट है उसमें बैंड हो जाता है वो मुड़ जाता है किधर लाइट की ओर जैसा आपने लाइट ट्रोपिज में पढ़ा था देन सेकेंड ये पहला था ऑक्सिन। अनोदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन विच इन जिब्रेलिन एक हार्मोन है लाइक like ऑक्सिन जो ऑक्सिन की तरह हेल्प इन द ग्रो ऑफ स्टेम जो स्टेम की वृद्धि के लिए स्टेम इस तरह या प्ररोह की वृद्धि में हेल्प करता है ठीक देन थर्ड हार्मोन साइटोकाइनिन यहां से थर्ड शुरू होता है ये फर्स्ट हार्मोन है ये आपका जिब्रेलिन सेकेंड हार्मोन है सेकेंड हार्मोन। नंबर थर्ड साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। इसका मेन काम क्या है प्रमोट सेल डिवीजन कोशिका विभाजन करना एंड इट इज नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। और जो कोशिकाओं का एक तरह से रैपिड सेल डिवीजन है यानी उसकी ग्रोथ uh, को बढ़ाने का काम है वो भी ये करता है सच एज इन फ्रूट एंड सीड जो फ्रूट और सीड को भी बड़ा करने का काम आता है दीज आर एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ बट प्लांट बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग आप यदि मान लो प्लांट लगातार ग्रोथ कर रहा है तो उसको किस प्रकार रोका जाए तो यहां पर एबसिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए हारमोन विच ग्रोथ यहां पर नंबर फोर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड जो एक तरह से हार्मोन क्या कर रहा है इनही ग्रोथ वृद्धि को रोकने का काम कर रहा है ठीक है इट इफेक्ट इंक्लूड वीटिंग ऑफ लीफ और जिससे पत्तियां मुरझा जाती है पादप की वृद्धि को रोकता जिससे पत्तियां मुरझाता मुरझा जाती है तो ये बेटा प्लांट हार्मोन थे चार प्रकार के वन टू थ्री एंड फोर ये प्लांट हार्मोन आपको कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमल हार्मोन लेके फिर आपके साथ एक नया टॉपिक एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच